जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्ट्री 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा UPSSC पेट संबंधित मॉक टेस्ट। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है 30 में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। ऑप्शन नंबर ए मगही, ऑप्शन नंबर बी वघेली, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी बुंदेली। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर एक का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं बिहारी हिंदी की बोली का नाम पूछा गया है, तो बिहारी हिंदी की बोली कौन सी हो जाती है दोस्तों? मगही हो जाती है। मगही कितनी होती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली? एक तो दोस्तों हमारी मगही हो जाती है, और दूसरी दोस्तों हमारी क्या आती है? मगही, मैथिली। ठीक है दोस्तों, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीन हमारी कैसी हो जाती है दोस्तों? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वघेली। दोस्तों, जो वघेली और छत्तीसगढ़ी है, वघेली छत्तीसगढ़ी, ये हमारी किसके अंतर्गत आती है? ये हमारी आती है दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी के अंतर्गत हमारी तीन आती है, कौन कौन सी? वघेली, छत्तीसगढ़ी, एक दोस्तों और हो जाती है हमारी, कौन सी? अवधी। अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीन किसके अंतर्गत है? पूर्वी के अंतर्गत। अब बात करते हैं बुंदेली। बुंदेली जो है ये हमारे दोस्तों किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी का विकास की अगर बात करते हैं, तो शोर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। और बिहारी हिंदी के अगर विकास की बात करते हैं, तो किसे? मांगदी अपभ्रंश से इसका हुआ, और पूर्वी हिंदी अर्ध मांगदी अपभ्रंश से विकसित है। ठीक है दोस्तों, राजस्थानी शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। और दोस्तों, पहाड़ी जो हमारी है वह हमारी किससे है? खस शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगही। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ऊ बड़ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट स्वर, फर्स्ट विव्रत, ऑप्शन नंबर बी अग्र विव्रत, ऑप्शन नंबर बी अग्र समव्रत, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट समव्रत। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी भाषा की दृष्टि से बड़ऊ, तो बड़ऊ हमारा किसके अंतर्गत आता है? देखिए दोस्तों, बड़ऊ हमारा जो है ये दोस्तों हमारा किसके अंतर्गत आता है? समव्रत। अग्र जो जो हमारा है पश्च संव्रत में हमारा क्या आ जाता है? बड़ऊ। पश्च संव्रत में कौन कौन सा आता है? वड़ा, छुटऊ, बड़ऊ, ओ, औ, ये किस में आते हैं? पश्च विव्रत में। ठीक है दोस्तों, किस में आते हैं? पश्च विव्रत में आते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। जो क्षण ना हो सके, क्या दोस्तों? जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अमिट, ऑप्शन नंबर वी अपार, ऑप्शन नंबर सी अच्छा, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो क्वेश्चन नंबर तीन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, तीन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार। अग्नि का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अंबर, ऑप्शन नंबर बी धारा, ऑप्शन नंबर सी सितारा, ऑप्शन नंबर डी शशांक। तो सभी लोग अग्नि का विलोम शब्द बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अग्नि, तो अग्नि का विलोम हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अंबर, अंबर हो जाएगा। अग्नि में क्या है दोस्तों? धरती होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अंबर, आकाश। धारा का अगर विलोम की बात करते हैं, तो धारा का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? गगन, गगन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर बात करते हैं दोस्तों किसकी? सितारा का विलोम, तो क्या हो जाएगा? सितारा का विलोम हो जाएगा चांद। शशांक, शशांक का विलोम दोस्तों बात करते हैं, तो शशांक का विलोम क्या हो जाएगा? दिनकर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पांच। बिडोला पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए नक्षत्र का, ऑप्शन नंबर बी अप्सरा का, ऑप्शन नंबर सी इंद्र का, ऑप्शन नंबर डी पत्थर का। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर पांच का। देखिए दोस्तों, बिडोला का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या हो जाएगा?
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बिडोला का पर्यायवाची तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इंद्र का जो है इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा बिडोला। नक्षत्र की बात करते हैं तो नक्षत्र के पर्यायवाची क्या आ जाएंगे, नखत, तारा, नभचर, ये हो जाएंगे तमचर, ये किसके जाएंगे नक्षत्र के। अप्सरा की अगर बात करते हैं तो देववाला, सुरनारी, मोहिनी, ये किसके हो जाएंगे अप्सरा के। पत्थर की अगर विलोम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रस्तर, पाषाण, शिला, रोड़ा, ये किसके हो जाएंगे पत्थर के पर्यायवाची। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हथियारा में कौन सी क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए प्रणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर सी अनुगणात्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी नाम धातु क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे हथियाना, हथियाना की बात की जाए तो हथियाना में हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, देखिए दोस्तों इसमें हमारी कौन सी क्रिया आ जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी इसमें हथियाना में। जैसे हथियाना हो गया, चिकनाना, करवाना, लिखवाना, इन सभी में नाम धातु क्रिया हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अनुकरणात्मक क्रिया की बात करते हैं तो दोस्तों क्या आती है, जैसे गुनगुनाना, बड़बड़ाना, ये दोस्तों क्या आ जाती है हमारी अनुकरणात्मक क्रियाएं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, परिमाण, क्या परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ऑप्शन नंबर ए सर्वदा, ऑप्शन नंबर बी सर्वत्र, ऑप्शन नंबर सी इतना, ऑप्शन नंबर डी गलत। तो दोस्तों सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करते हैं परिमाण वाचक, तो परिमाण वाचक में हमारी क्या जाती है, इतना, उतना, ये हमारा परिमाण वाचक में आता है, उतना, कितना, थोड़ा, अधिक, ये किसमें परिमाण की बात की जा रही है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर सी अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए दोस्तों 8 की बात करते हैं, मुझे, मुझे जो है ये हमारा कैसा है दोस्तों, मैं और मुझे, ये हमारा उत्तम में आता है। बात करते हैं मध्यम में, तो मध्यम में क्या आ जाएगा, तू और तुम, ये मध्यम में आएंगे। अन्य की बात करते हैं, यह है और वह, ये हमारे अन्य में जाएंगे। ये तीनों की अगर बात करते हैं, तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे पुरुष, पुरुष क्या दोस्तों, पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं, पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए अमीर, गरीब, समूह, मिठास, ऑप्शन नंबर बी जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, ऑप्शन नंबर सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ऑप्शन नंबर डी धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य। दोस्तों अगर बात करते हैं संज्ञा होती है कितने प्रकार की होती है, दोस्तों संज्ञा के भेदों की अगर बात करते हैं तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, कितने होते हैं, 5 होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा गया कौन सी में भाववाचक संज्ञा, दोस्तों क्या रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये हमारी किसके अंतर्गत आती है, ये सभी के सभी हमारे किसके अंतर्गत, भाव के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आतिशबाजी, ऑप्शन नंबर बी लफंगा, ऑप्शन नंबर सी नारिकेल, ऑप्शन नंबर डी चुगलखोर। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं तो आतिशबाजी जो है ये हमारा कैसा शब्द है, ये हमारा दोस्तों संकर शब्द है, ठीक है दोस्तों। लफंगा ये हमारा तुर्की हो जाएगा और नरकिल ये तद्भव शब्द है। चुगलखोर, चुगल और खोर, तो ये हमारा कैसा आ जाएगा दोस्तों संकर शब्द। ये चुगलखोर है, ये हमारा कैसा हो जाएगा विदेशी शब्द है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं आतिशबाजी ये संकर शब्द हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए अमी, ऑप्शन नंबर बी उलूक, ऑप्शन नंबर सी इष्टिका, ऑप्शन नंबर डी कुपुत्र। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया तद्भव शब्द। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तद्भव शब्द कौन सा है, तो अमी जो है, अमी ये हमारा कैसा है तद्भव, किसका तद्भव है, ये अमृत का तद्भव है, ठीक है दोस्तों अमृत का, किसका, अमृत का। बात करते हैं उल्लू, उल्लू की बात करते हैं, इसका तद्भव दोस्तों क्या हो जाएगा उल्लू, उल्लू ये क्या है तद्भव शब्द है। कुपुत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों कपूत। इष्टिका, इष्टिका की बात करते हैं तो ये किसका हो जाएगा ईंट का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे
और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सुमित्रा, सुमित्रा में प्रत्यय होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ा, ऑप्शन नंबर बी छोटा, ऑप्शन नंबर सी इत्रा, ऑप्शन नंबर डी इत्रा। तो दोस्तों यहाँ पे सुमित्रा में प्रत्यय की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से कौन सा कर्मधार समास है, ऑप्शन नंबर ए नीलगगन, ऑप्शन नंबर बी त्रिफला, ऑप्शन नंबर सी पतझड़, ऑप्शन नंबर डी गांव शहर। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा कर्मधार, तो कर्मधार की बात करते हैं तो कर्मधार हमारा किसमें हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा है नीलगगन, तो इसमें हमारा क्या जाएगा कर्मधार, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा नीला है जो गगन। ठीक है दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 निर्धन में कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी अयादि संधि, ऑप्शन नंबर डी यण संधि। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात की जाए निर्धन, तो निर्धन में हमारी कौन सी संधि होगी और इसका संधि विच्छेद करें, देखिए दोस्तों इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा निधन धन, क्या दोस्तों निधन और धन ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। इसमें संधि हमारी क्या हो जाएगी विसर्ग, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग जब लग जाता है जो ऊपर जो रा है ये दोस्तों हमारा किसमें विसर्ग में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर ए चा छा जा झा, ऑप्शन नंबर बी टा ठा डा ढा, ऑप्शन नंबर सी ता था दा धा, ऑप्शन नंबर डी सा शा शा हा। वो जगह ऊष्म व्यंजन, तो दोस्तों ऊष्म जिनके जिनको बोलते हैं इसमें अधिक ऊष्मा निकले तो उन्हें हम क्या कहेंगे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ऊष्म व्यंजन की अगर बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, हमारे कैसे हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों अगर हम बात करते हैं इनकी तो आप ता था दा ये हमारे कैसे हो जाते हैं दोस्तों दंते हो जाते हैं, दंते हो जाते हैं। टा ठा की अगर बात करते हैं तो ये हमारे कैसे हो जाते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य हो जाते हैं। चा और छा जा झा की इनकी बात करते हैं ये हमारे कैसे जाते हैं तालब्य। ठीक है दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तुल्यता सूचक, दोस्तों तुल्यता सूचक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे तुलना की जा रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे तुल्यता सूचक कहेंगे चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 छलिया, दोस्तों छलिया पठानी व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है, ऑप्शन नंबर ए इत ला आवट, ऑप्शन नंबर बी इला वाला इला, ऑप्शन नंबर सी इला वाला इक, ऑप्शन नंबर डी या ई आनी। तो दोस्तों क्या छलिया या पठानी ई और दोस्तों कहानी, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों छलिया में ये प्रत्यय हो जाएगा, पठानी में ये प्रत्यय हो जाएगा और कहानी में आनी प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए आय, ऑप्शन नंबर बी व्यय, ऑप्शन नंबर सी नहर, ऑप्शन नंबर डी लहर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों पुल्लिंग शब्द बताना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है आय, आय हमारी क्या इनकम होती है, नहर होती है, लहर होती है या आती है। तो दोस्तों यहाँ पे व्यय की बात करते हैं, व्यय हमारा क्या होता है खर्चा, खर्चा कैसा होता है होता है या किया जाता है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बेसंज्ञा शब्द जो किसी गुण दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक संज्ञा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं बेसंज्ञा शब्द जो किसी गुण दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं, तो दोस्तों भाव का बोध कराएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे भाववाचक संज्ञा। बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किन्हें कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों किसे कहते हैं किसी विशेष स्थान या वस्तु का नाम, किसी विशेष स्थान या वस्तु का नाम हो तो उसे हम क्या कहेंगे व्यक्तिवाचक। द्रव्यवाचक किसे कहेंगे जिस चीज को दोस्तों नापा और तोला जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे व्यक्ति द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक की बात करते हैं, जातिवाचक किसे कहेंगे किसी की जाति का पूरी जाति का बोध कराया जाता हो तो उसे हम क्या कहेंगे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर
वी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी महेंद्र, ऑप्शन नंबर डी महोसद। यहाँ पे वृद्धि, वृद्धि का मतलब दोस्तों क्या होता है, जहाँ पे मात्राओं की वृद्धि होती है। और एक पहचान है दोस्तों, बीच में अगर दो मात्राएं मिल जाएं तो वहां पे कंफर्म है हमारी कौन सी वृद्धि संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, महा धन औसत, महाधन औसत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द्विज का अनेक अर्थी है, ऑप्शन नंबर ए दांत, ऑप्शन नंबर बी वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी अंडज। तो दोस्तों द्विज, द्विज का अगर अनेक अर्थी की बात करते हैं तो द्विज का अनेक अर्थी हमारा क्या जाता है, दांत, दांत हो गया, पक्षी हो गया, ब्राह्मण, ये दोस्तों किसके द्विज के अनेक अर्थी हो जाते हैं। वस्त्र के अनेक अर्थी की बात करते हैं आकाश, कपास, अंबर। जल के अनेक अर्थी पानी हो जाएगा, प्राण और जीवित, ये दोस्तों किसके हो जाएंगे, जल के। अंडज के क्या आ जाएंगे, सर्प, मछली, पक्षी, अंडज के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सौम्य शब्द का विलोम है, ऑप्शन नंबर ए सौभाग्य, ऑप्शन नंबर बी दुश्मन, ऑप्शन नंबर सी उग्र, ऑप्शन नंबर डी दुराशय। तो सौम्य, तो सौम्य का विलोम दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, सौम्य का विलोम हो जाएगा दोस्तों उग्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सौभाग्य का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य हो जाएगा। बात करते हैं दुश्मन का विलोम क्या हो जाएगा, दुश्मन का विलोम दोस्तों दोस्त या सहयोगी, सहयोगी या दोस्तों दोस्त हो जाएगा। बात करते हैं दुराशय, दुराशय का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, सदाशय, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जीव का पर्याय है, ऑप्शन नंबर ए वचन, ऑप्शन नंबर वी रचना, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी जीव, जीव। तो दोस्तों इसका जीव का पर्यायवाची पूछा गया है, तो इसका पर्याय क्या हो जाएगा, जीव के पर्याय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रसना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। रसना, वाणा, रसिका ये भी कह सकते हैं। वचन का क्या हो जाएगा, वचन, वाणी, प्रतिज्ञा, शपथ, ये किसके हो जाएंगे, वचन के। ध्वनि के क्या हो जाएंगे, स्वर, आवाज, आहट। जीव के क्या हो जाएंगे, प्राणी, प्राण, जीवधारी, ये हो जाएंगे किसके, जीव के। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर ए गहरे पानी में स्नान करना, ऑप्शन नंबर वी सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऑप्शन नंबर सी अच्छी प्रकार से सिर धोना, ऑप्शन नंबर डी डूबने से बच जाना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। शैतान की यहाँ 30 मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, ऑप्शन नंबर अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन नंबर सी अत्यंत नगण्य वस्तु, ऑप्शन नंबर डी अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है दोस्तों, 26 की अगर बात करते हैं तो विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, किसका दोस्तों, विद्वान का हमें स्त्रीलिंग यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों तो क्या आ जाएगा, विद्वान, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी विदुषी, ऑप्शन नंबर डी होशियार। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं विद्वान का स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से द्वंद समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए पीताम्बर, ऑप्शन नंबर बी रुपया पैसा, ऑप्शन नंबर सी चौराया, ऑप्शन नंबर डी नेत्रहीन। तो यहाँ पे दोस्तों द्वंद समास का पूछा गया तो हमारा क्या आ जाएगा, रुपया पैसा। तो इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं क्या जाएगा, रुपया या पैसा या रुपया और पैसा, ठीक है दोस्तों। पीताम्बर की बात करते हैं, पीला है जो अंबर, तो ये इसमें हमारा क्या जाएगा, कर्मधारी हो जाएगा। चौराहा और त्रिनेत्र, इसमें हमारा क्या जाएगा, दिगु हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्रमाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, ऑप्शन नंबर ए प्रमाणिक
धन एक ऑप्शन नंबर बी, प्राण धन माणिक ऑप्शन नंबर सी, प्रमाण धन एक ऑप्शन नंबर डी, प्रमा धन आणिक। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रमाण धन एक ये हो जाएगा प्रमाणिक। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वड़ी और बड़ा से मिलकर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी अयाद संधि, ऑप्शन नंबर सी यण संधि, ऑप्शन नंबर डी वृद्ध संधि। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यह आप लोगों को बताना। देखिए दोस्तों गुण संधि की अगर बात करते हैं तो इसमें दोस्तों किस किस का परिवर्तन होता है, बड़ा और बड़ी, क्या दोस्तों बड़ा और छोटी मिलकर हमारी क्या बनाती हैं, अय बनाते हैं। ठीक है दोस्तों इतनी बात क्लियर हो। अयाद की बात करते हैं, अयाद में तो अयाद में क्या होता है ए और छोटा, ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे अय, ये बनाएंगे। ठीक है दोस्तों यण संधि यहाँ पे बात करते हैं, बड़ा बड़ी और बड़ा मिलकर यह बनाते हैं तो यह हमारा क्या जाएगा यण संधि हो जाएगा। वृद्ध संधि की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या मिलकर बनता है, छोटा और अ, छोटा और अ मिलकर हमारा क्या बनाएंगे अव बनाएंगे। ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और यह दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीत अर्थक नहीं है उसे चुने, ऑप्शन नंबर ए आय व्यय, ऑप्शन नंबर बी सरल कठिन, ऑप्शन नंबर सी गुरु लघु, ऑप्शन नंबर डी धर्म अधम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी धर्म का अधम नहीं होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों अधर्म, अधर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं कल के क्लास में, आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।